नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह निश्चित समय अवधि में गोचर करते रहते हैं और विभिन्न युति भी बनाते हैं। इन ग्रहों की युति विभिन्न अशुभ और शुभ योग बनाती है। 12 फरवरी को चंद्रमा गोचर करके मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। वहीं राहु ग्रह पहले से ही मीन राशि में मौजूद हैं। जब भी किसी राशि में राहु ग्रह या सूर्य या चंद्रमा के साथ युति करते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। इस समय मीन राशि में ग्रहण दोष बना हुआ है जो कि 14 फरवरी की सुबह 10:43 तक रहेगा। इसके बाद चंद्रमा गोचर करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही ग्रहण दोष भी समाप्त हो जाएगा। मीन राशि पर पड़ने वाला है ग्रहण दोष का नकारात्मक असर। सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहण दोष अशुभ फलदायी हो सकता है। इन जातकों को मेहनत का फल नहीं मिल पाएगा। कई ऐसे काम भी करने पड़ सकते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। वहीं व्यापार जातक अजीब स्थितियों के चलते उलझन में रहेंगे, विरोधी परेशान कर सकते हैं। इसके बाद सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को ग्रहण दोष परेशानियां दे सकता है। इस समय लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं, बाद में नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा सोच समझ कर निर्णय लें। पैसे उधार देने से बचे, पैसा डूब सकता है। शादीशुदा जीवन में मनमुटाव या समस्याएं हो सकती हैं। कामों में बाधाएं आ सकती हैं। आपको अपनी योजनाएं बदलनी पड़ सकती है। इसके बाद है धनुराशि। धनुराशि के जातकों को ग्रहण दोष नुकसान करवा सकता है। व्यापार में हानि होना या काम का दबाव ज्यादा रहने का योग बन सकता है। सरकारी टेंडर लेने वालों को उम्मीद से कम पैसा मिलने से परेशानी हो सकती है। उलझन की स्थिति रह सकती है। पार्टनरशिप में काम करने वाले जातकों को निवेश के लिए थोड़ा रुकना बेहतर होगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।